हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स बोर्ड के फास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² + 10x + 3 = 0। CBSE 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और एक चीज जो शॉर्ट में आपको बता दूं, d की वैल्यू आपको फाइंड आउट क्या करना होता है, d की वैल्यू, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो टू डिफरेंट रियल रूट। ओके, d की वैल्यू इक्वल 0 है टू इक्वल रियल, और d की वैल्यू लेस देन 0 है नो रियल रूट, रियल रूट मिलेगा नहीं, कि वहां पे इमेजिनरी वैल्यूज मिलेगी, वो आप आगे सीखेंगे। नाउ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x² + 10x + √3 = 0। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयरिंग, विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। a = 3√3 है, b = 10 है, c = √3। ओके, नाउ डिस्क्रिमिनेंट d √b² - 4ac। ओके, तो यहाँ पे √b यानी कि क्या है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 × a क्या है 3√3 है, इंटू c की वैल्यू 3 है। ओके, 3 × √3 करोगे 3 होगा, 3 × 3 करोगे तो 9 होगा, 9 × 4 = 100। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 होता है, और यहाँ पे 9 × 4 = 36। ना सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 64। ओके, फिर 20² - 4ac डायरेक्टली आप करोगे तो भी मिलता है, 20² - 4ac की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 8 मिल रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। ओके, d = 8 > 0, सो here d > 0, so 2 distinct real root। Okay, 2 different real root यहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोज़।